मेरा नाम दीपक केळकर है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, समलिंगी आसक्ति। हमारे देश में समलिंगी आसक्ति यानी कि होमोसेक्सुअलिटी ये एक अपराध माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है। इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये लोग बाहर आते नहीं है तो हमको मालूम पड़ता नहीं है, मगर मेरे यहाँ काफी लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। इसमें होता क्या है कि पुरुष का पुरुष के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब शारीरिक संबंध उसका होते रहता है, उसका पुरुष का पुरुष के साथ में एक सेक्सुअल लैंगिक अट्रैक्शन उसका होता रहता है, आकर्षित होता है पुरुष पुरुष की तरफ या स्त्री स्त्री की तरफ भी लैंगिक आकर्षित होती है। तो जब पुरुष पुरुष की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं गे, और जब स्त्री स्त्री की तरफ आकर्षित होती है और उसके संबंध आते हैं तो उसको बोलते हैं लेस्बियंस। पुरुष काफी मात्रा में ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, इसलिए हमको मालूम है। होता क्या है कि कुछ पुरुष जो है, मतलब जो मेन है, आदमी जो है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जो चल रहा है वो बराबर चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आता भी नहीं, वो एंजॉय करता है उसका संबंध, और उसको उसकी शादी भी हुई रहती है, पत्नी के साथ में उसके संबंध रहते हैं, और बाहर भी वो संबंध पुरुष के साथ में करते रहता है। एक हो गया कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो पत्नी के साथ में संबंध उसके आते नहीं है और उसको ज्यादा रुचि पुरुष के साथ में संबंध करने में आती है, और फिर घर में झंझट झगड़े चालू होते हैं, इसलिए फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एक और कैटेगरी ऐसी है कि जिन्होंने शादी की नहीं है, उनको शादी करनी भी नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पुरुष के साथ में संबंध है होमोसेक्सुअलिटी है, मैं गे हूं और मुझे उसमें पुरुष के साथ में संबंध रखने में मजा आता है। एक कैटेगरी ऐसी है कि उस पुरुष के साथ में संबंध है मगर अभी उसको बंद करने का और उसको शादी करने की इच्छा है। घर के लोग प्रेशर डाल रहे, बहुत दबाव डाल रहे कि नहीं शादी कर शादी कर। और अभी मेरे पास में परसों एक लड़का आया था, बोले मुझे तो ऐसी रुचि पुरुष के साथ में संबंध करने में है, मगर घर के लोग बोल रहे शादी करो। अब आप ये बताओ कि मुझे लेडी के तरफ, फीमेल के तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन कैसा होगा, कैसा बढ़ेगा, मेरे को सिखाओगे या उसके लिए कोई दवा दो। अब ये होता क्यों है? ये होता है एक तो बायोलॉजिकल कॉजेस, मतलब जीन्स में, अभी रिसर्च ये बताता है, कुछ कुछ स्टडीज ऐसी है, बोलते जीन में डिफेक्टिव जीन्स है, इसके वजह से उसका शारीरिक आकर्षण पुरुष का पुरुष की तरफ होता है, स्त्री का स्त्री की तरफ होता है। दूसरा जो है वो है साइकोलॉजिकल, कि बचपन से उसके ऊपर संस्कार कैसे किए गए, उसकी परवरिश कैसी की गई है, और परवरिश के कारण वो वैसा बनता है। तभी दोनों भी कोई सही नहीं है, दोनों भी कोई गलत नहीं है, हमको ये देखना है कि इसके लिए करना क्या है। यदि वो मेरे पास में एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट वो मेरे तरफ आता है और वो रिक्वेस्ट करता है मुझे कि भाई नहीं, मुझे अभी ये बंद करने का है, तो उसके लिए हम उसका इलाज कर सकते हैं। एक तो है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसकी कोई टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स के माध्यम से उसको उसका इलाज हम कर सकते हैं। और दूसरा है हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, उसको हम हेटरो हिप्नोटिज्म करते हैं, उसको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं, और सेल्फ हिप्नोसिस से या एनएलपी टेक्निक से उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो होमोसेक्सुअलिटी, मतलब सिमिलर सेक्सुअल अट्रैक्शन और अट्रैक्शन टुवर्ड सिमिलर सेक्स जो बैठा हुआ है, जो कंडीशनिंग उसका हुआ है, उसका डी कंडीशनिंग करते हैं। तो डी कंडीशनिंग करने के लिए एक तो सम्मोहन उपचार हिप्नोटिज्म, और दूसरा एनएलपी, तीसरा जो है वो काउंसिलिंग। और काउंसिलिंग से भी काफी सारे फायदे उसको फायदे हो सकते हैं, और उसका एक जो लैंगिक आकर्षण है वो पुरुष की तरफ कम होके वो अच्छा जीवन अपना बिता सकता है। तो इस तरह जो भी लोग देख रहे उनके कोई संपर्क में लोग आते हैं, उनको मालूम है, तो ये आप शेयर करो लोगों से, और एक वो अच्छा जीवन, सुख का जीवन खुद के ऊपर इलाज करके, उनको ऐसा लगता है कि इलाज करना चाहिए, तो इलाज करके अच्छा जीवन वो बिता सकते हैं। आप ये वीडियो शेयर करो, हमारे चैनल को लाइक करो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।